हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पैर और चलने से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हम अक्सर बोलते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आप इनके मीनिंग और एग्जांपल्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। सो लेट्स बिगिन एंड हैव ए लुक एट दिस सेंटेंसेस। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज पैदल चलना। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन फुट। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। हम रोज पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल ऑन फुट डेली। लोग इसे बाय वॉक कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, लेकिन उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे वी गो टू स्कूल वॉकिंग डेली। ओके गाइस, लेट्स सी द अनदर सेंटेंस। द सेकंड सेंटेंस इज दबे पांव चलना। इसे इंग्लिश में कहेंगे टिप टो, यानी बिना आवाज किए पैर दबा कर चलना। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। मैं दबे पांव कमरे से बाहर गया ताकि वह ना उठे। आई टिपटोड आउट ऑफ द रूम सो शी वुड नॉट वेक अप। ओके गाइस, लेट्स सी द अदर सेंटेंस। द थर्ड सेंटेंस इज कदमों की आहट या आवाज। इसे इंग्लिश में कहेंगे फुटफॉल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। आई हर्ड समवंस फुटफॉल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द फोर्थ सेंटेंस इज पैर पटक कर चलना। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉम्प, यानी चाहकर जोर से गुस्से में पैर पटक कर चलना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। ही वेंट आउट स्टॉम्पिंग इन एंगर। आई होप यू आर गेटिंग इट फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। द फिफ्थ सेंटेंस इज पैर रगड़ कर चलना। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्कफ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वह पैर रगड़ कर चल रहा था। ही वॉज कफिंग। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। द सिक्स्थ सेंटेंस इज पैर 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 रखना। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टेप ऑन। लेट्स हैव ए लुक एट एग्जाम्पल। उसने गलती से मेरे पैर 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 रख दिया। ही स्टेप्ड ऑन मी बाय मिस्टेक। इज दैट ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द सेवेंथ सेंटेंस इज नंगे पैर। इसे इंग्लिश में कहेंगे बेयर फुट, यानी पैर में बिना कुछ पहने हुए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं नंगे पांव नहीं चल सकता। आई कांट वॉक बेयर फुट। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आवर लास्ट एंड एइथ सेंटेंस इज लंगड़ा कर चलना। इसे इंग्लिश में कहेंगे लिम्प, मतलब किसी चोट या डैमेज की वजह से लंगड़ाना। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? Why are you limping? ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सेंटेंसेस, वोकैबुलरी एंड देयर मीनिंग। अपनी रेगुलर कन्वर्जेशंस में इनको यूज करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।